नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप अपना खुद का कुछ भी काम बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं या फिर छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाया जा रहा है जिसका हिस्सा बन करके आप भी इस योजना में आवेदन करते हैं। यदि आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में आ जाता है बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक दिया जाता है, जिसमें कि 50% जो है आपको माफ़ कर दिया जाता है और 50% का आपको 5 साल में किस्तों में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साथ ही साथ इस साल का क्या क्या नियम नया चेंज हुआ है। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाचार। तो दोस्तों इस योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल फोन में यदि ट्विटर यूज कर रहे हैं तो ट्विटर को ओपन कर लीजिए, सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है संदीप पंद्रिक। तो दोस्तों बिहार उद्यमी योजना का जो भी नियम लागू होता है वो इन्हीं के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है उद्यमी बिहार। जैसे आप उद्यमी बिहार लिख करके सर्च कीजिएगा, ये जो वेबसाइट है बिहार सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर में उद्योग विभाग की तरफ से जो भी नया आवेदन या फिर कब कब क्या आपको करना है वो सारा अपडेट यहाँ पे आपको मिलते रहता है। तो आप इस वेबसाइट पे भी लगातार विजिट करते रहिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। इस योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा क्लियर लिखा हुआ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के लिए विस्तृत विवरण, योग्यता आवेदन देने का तरीका, ट्रेड की सूची, कैटेगरी में लक्ष्य आदि ट्रेड की सूची, प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ MMUY के पोर्टल और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। नए आवेदनों के लिए पोर्टल 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक खुला रहेगा। देख पा रहे कि डेट जो है जारी कर दिया गया, 15 सितंबर से नया आवेदन स्टार्ट होगा और जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। ये जो डेट है ये डेट आपका बढ़ भी सकता है, तो ये साइट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सही तरीके से साइट काम करते रहता है तो यहाँ पे डेट बढ़ने का चांसेस कम होता है। अगर साइट में किसी तरीके का परेशानी होता है तो फिर ये डेट जो है आपको बढ़ा दिया जाता है। तो ये आप सबसे पहले कंफर्म हो गए कि किस डेट में आपको आवेदन यदि आप नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस योजना में जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड जो है अपडेट होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में एक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट सेविंग या करेंट कोई भी हो सकता है। आपका जो शैक्षणिक योग्यता है मिनिमम आपका 10+2 यानी कि इंटर पास आप होना चाहिए, उसके आगे जो भी रहिएगा कोई दिक्कत नहीं, उससे नीचे वाले का नहीं हो पाएगा। एज जो है मिनिमम कम से कम 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 साल का। इस बीच में यदि आप आते हैं तो आप अपना इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो और डॉक्यूमेंट लगने वाला, जैसे कि आपका आवासीय सर्टिफिकेट लगेगा जो कि ब्लॉक लेवल से बनता है, उसके बाद आपका जाति बनेगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद आवासीय, जाति, साथ आपका बैंक अकाउंट और ईमेल आईडी, इतना चीज़ आपका सारा चीज़ चाहिए। और जो भी आपका एजुकेशन है उसका मार्कशीट प्लस आधार कार्ड और जाति आवासीय जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें ऐड करने वाले सब में आपका नाम सेव होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। बस हम आ गए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। जब भी आवेदन नया करने का ऑप्शन होगा तो यहाँ पे आपको आवेदन का ऑप्शन दिख जाएगा। आवेदन अगर आप मोबाइल में चेक करना चाहते हैं जैसे इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्यूटर में ये ओपन होता है वेबसाइट, उसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये दिखाई देगा। तो पंजीकरण का ऑप्शन दिया हो तो पंजीकरण के ऊपर में अभी जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं काम करेगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा जिसमें आपका आधार नंबर, नाम, ये सब लिखने का ऑप्शन आता है। इस पे आने के बाद यहाँ पे नीचे में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें कि पहला वाला जो है इसके ऊपर में यहाँ क्लिक करें, जो ऑप्शन जैसे आप क्लिक कीजिएगा PDF को डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा कुछ ही देर बाद ये यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स इस PDF में जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने में आ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 8000 आवेदनों का चयन जिला लक्ष्य के आधार पर किया जाना है, जिसमें कि 3 कैटेगरी बना हुआ है, मतलब जो भी आप काम करते हैं उसमें कैटेगरी बना हुआ। तो पहला कैटेगरी जो ए वाला है उसमें जो भी आप काम करना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं यदि इसमें आपका जो भी काम होगा उसका अगर नाम लिखा हुआ रहेगा तो वो कैटेगरी ए में आता है। यदि आप यहाँ पे कैटेगरी बी सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आप काम करने वाले अगर उसका नाम इसमें लिखा हुआ है तो वो कैटेगरी बी में आता है। यदि आप कैटेगरी सी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे काम आपका यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो ये कैटेगरी सी में आता है। इस तरीके से यहाँ पे इस पेज को सही तरीके से आप पढ़िएगा, पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें आपको दिख जाएगा।
उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो जीएसटी नंबर अभी फिलहाल बनाने का जरूरत नहीं, यदि आपके पास में पहले से अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता तब आप जीएसटी नंबर वगैरह बनाइएगा। बारे में भी दिया हुआ है, एजुकेशन के बारे में भी दिया हुआ है। तो सबसे खास चीज़ है कि इस योजना में अगर आप शामिल होना चाहते तो बिहार के अगर आप किसी भी जाति से आते हैं, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, तो आप इस योजना के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। फिर से वापस हम इसी वेबसाइट पे आ गए और नीचे में एक जो और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में फिर से आपको एक क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आप देख पाइएगा सही तरीके से, आपको इसको भी समझना है। यदि आपका मान के चले कि आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप काम सेलेक्ट करते हैं, केटल फीड मैन्युफैक्चरिंग अगर आप लेते हैं तो इसमें क्या क्या आपको मशीन लेना है, कितना इसमें अमाउंट पड़ेगा, वो सारा चीज़ इसमें आपका दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस साल थोड़ा सा नियम में बदलाव किया गया है। पिछले साल क्या था कि जितना भी इसमें लाभार्थी थे, जिस सिलेक्शन इस योजना में हो जाता था, चाहे वो किसी भी कामकाज के लिए अगर अप्लाई किए तो उसको जो है 10 लाख रुपए मिलता था, जिस जो कि 3 किस्तों में मिलता था, 4 लाख 4 लाख और फिर लास्ट में 2 लाख। तो ये जो नियम है वो चेंज होते रहता है, अभी फिलहाल इसको कम कर दिया है। डिग्री है सभी के लिए अलग अलग राशि यहाँ पर आवंटित किया गया है। आप देख पा रहे कि यदि आप इस काम के लिए अगर लीजिएगा तो आपको टोटल राशि जो है 8,50,000 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से आप पढ़ लेना ध्यान से। उम्मीद है आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गया होगा। यदि आप भी यदि और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।